हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। यदि आप भी क्लास 9th एंड 10th में हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है और इसका टारगेट हमारा वो है स्कोर ग्रेटर देन 95%। ठीक है, यदि आपकी चाहत है कि आपको भी स्कोर करना है क्लास 10th में एंड 9th में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 9th पास आउट करके यहाँ पे 10th में आ रहे होंगे और कुछ बच्चे 8th पास आउट होकर 9th में एंटर हो रहे होंगे। ठीक है, अभी स्कूल आपके खुलने वाले हैं जस्ट 5 to 10 days में, तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ये बेसिकली टारगेटेड है कि आपको जो स्कोर है वो किस तरीके से एनहेंस करना है। यदि आपका 9th में ऑलरेडी अच्छा स्कोर है तो और अच्छा कर रहे होंगे आप, और यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा हो किसी रीजन बस, तो आप वो गलतियां यहाँ पे नहीं करोगे। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यदि आप ये सारी चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना जो स्कोर है वो 95 से अबव लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो टारगेटेड पॉइंट है। यदि आप देखो, इनको ना तो हम छोड़ सकते हैं, ना इनसे पीछे छुड़ा सकते हैं, ना इनसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको हर समय मतलब अपने माइंड में रखने हैं और इनसे तो आपको बिल्कुल जूझना ही पड़ेगा, आप चाहते हो या ना चाहते हो तब भी। बस अंतर इतना सा है कि आप इनको एक अच्छी तरीके से आप इनको एब्जॉर्ब कर लेते हो, कि आप इनको अपने जैसा बना लेते हो कि हाँ मुझे इनके अकॉर्डिंग चलना है, तब आपके लिए ये सारी चीज़ें काम कर रही होंगी। यदि आप चाहते हो कि नहीं ये चीज़ें हम पे बस थोपी गई हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए वर्क यहाँ पे नहीं कर रही होंगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्कूल। स्कूल से क्या मतलब है वो हम आगे चल के बात करने वाले हैं। यहाँ पे नोट्स, सेल्फ स्टडी, रिविज़न, 90% कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। ठीक है, हम क्लास के अंदर जो अपने 90% कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे, किस तरीके से कर रहे होंगे ये यहाँ पे हम बात करेंगे, और यहाँ पे ट्यूशंस की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हर एक पॉइंट में यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए स्कूल से मतलब इतना सा है, सिर्फ स्कूल आपको जाना ही पड़ेगा यदि आपने एडमिशन लिया है। आपको अपनी जो भी है 10th के एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप घर बैठ के ही सारी चीज़ें कर लोगे। तो यदि आप स्कूल जा रहे हो तो उस स्कूल को थोड़ा सा और अपनी तरीके से मॉडिफाई करके आप क्यों ना स्कूल जो आप मतलब सपोज करो आप 80% अटेंडेंस अपनी वहाँ पे आप अपीयर कर रहे थे, यानी कि आप 80% क्लास अटेंड कर रहे थे, क्यों ना उसको आप 95 to 98 तक लेके जाएं। बस आपको क्या करना है, जो आप हॉलीडेज ले रहे थे, जो छुट्टी ले रहे थे आप घर पे किसी न किसी रीजन बस से, आपको उनको अवॉइड करना है और अपनी क्लासों को जितना हो सके उतनी ज़्यादा यहाँ पे अटेंड करनी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये तो बात हो गई, अपनी जो अटेंडेंस है वो 95% से अबव रखनी है आप। ठीक है, उससे प्लस रखनी है, उससे आप कम अटेंडेंस नहीं रख सकते। इससे होगा ये कि जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी वो आपके माइंड में एज इट इज रहेंगी, आपको एक डाउट नहीं रहेगा कि यार ऐसा नहीं है कि कहीं कल मैंने जो क्लास छोड़ी थी उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हों। और टीचर यहाँ पे बोल भी देता है कि बेटा मैंने ये चीज़ आपको कल पढ़ा दी थी, आप शायद आए नहीं होंगे, तो फिर आप उसका एक फोबिया बना लेते हो कि यार ये चीज़ पता नहीं कितनी कठिन रही होगी, कैसे समझाई होगी, मुझे तो अभी ये आने वाली है नहीं, तो वो उससे फिर पीछे छुड़ाने लगता है कि इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूँ। उस टॉपिक के चक्कर में हो सकता है कि अगला जो टॉपिक आने वाला वो उसी से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी उसका जा रहा होता है, तो फिर उसके मन में आता है कि मैं एक टाइम निकाल के सैटरडे या संडे को जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं इकट्ठा इस चैप्टर को पढ़ लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, वो फिर जो प्रेशर है वो आता जाएगा और आपका जो मतलब सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जाएगा, और उस सिलेबस के छूटते छूटते आपका रिविज़न, स्टडी, हर चीज़ आपकी पीछे जाती जाएगी और आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। बस आपके मन में एक चीज़ आएगी, हाँ हो जाएगा, अभी एग्ज़ाम के इतने दिन, ये सब चीज़ें आती रहेंगी और आपके जो प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिंपल सा स्टेप उठाना है आपको, बस स्कूल डेली जाना है। इसमें इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव शॉर्टकट का इसका नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो स्कूल से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चल के हम बात करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ एक बार मैं आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नोट्स की। ठीक है, देखिए नोट्स के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि दूसरे के नोट्स ले लेते हैं। कोई टॉपर होगा कि उसने स्टेट टॉप किया है, ये जिला टॉप किया है, तो उसके नोट्स ले लेते हैं, उसने जब इतना अच्छा किया है तो उसके नोट्स से मैं भी अच्छा कर लूँगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ये एक शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलता है बोर्ड में। ठीक है, देखिए आपके खुद के नोट्स होंगे तभी आप एक अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो पाओगे, क्योंकि खुद के नोट्स में हमें पता रहता है कौन सी चीज़ हमें क्यों लिखी थी और इसका जो रीज़न था वो क्या था, इसके लिखने के पीछे पर्पज़ क्या था। अब दूसरे के नोट्स में हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वो उस बंदे को आसान लगती हो, उसने उस नोट्स में नहीं मेंशन किया, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल कठिन है, आपको वो चीज़ नहीं आती और आपके पास वो चीज़ अब नहीं है। या फिर हो सकता है उसको वो चीज़ नहीं आती थी, उसने लिख लिया, आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अब आपको उसके नोट्स से ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि आप खुद के नोट्स बनाओ। आप जब भी क्लास लेके आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आने के बाद, देखिए नोट्स के जस्ट बाद मैं बताने वाला हूँ, कुछ टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको खुद से बनाने हैं,
और वो कब बनाने, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप वो अपने नोट्स बना लोगे, और बाकी कुछ नोट्स आपके स्कूल के ही होंगे, जो स्कूल में होमवर्क कराया जाता है उसमें से भी आप जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनको आप यहाँ पे लिख लेते हो। तो अपने खुद के नोट्स रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, रादर देन कि आप किसी दूसरे बंदे के यहाँ पे नोट्स लो। वो नोट्स देखो रेफरेंस के लिए ले सकते हो आप कि टॉपर के नोट्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन आप खुद के नोट्स जरूर बनाओ, या फिर आप उनके नोट्स में से अपने खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन खुद के नोट्स होना कंपलसरी है, ये आप जान लेना। इस चीज़ से आप यदि शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो नोट्स का जो भी रीज़न है आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनाना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी की। देखिए कुछ टाइम आपका स्कूल में जा रहा होगा, कुछ बच्चों ट्यूशन जा रहे होंगे, उसके अलावा भी आपको घर पे आके सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चाहे आप 1.5 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, जो भी निकालो व्हाटएवर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन निकालना ज़रूरी है। अब उसमें होता क्या है, देखिए जो चीज़ें आपने पढ़ी स्कूल में, ठीक है, वो चीज़ें लगभग आपको 80-90% वहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और फिर 20-10% कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, या फिर आपका ध्यान इधर उधर होगा कहीं, या फिर आपके लेवल से थोड़ी वो चीज़ें अप होंगी, या आपका जो उस टाइम में जो इंटेंशन था वो मतलब समझने जैसा नहीं था। तो उस चीज़ को उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी काम में आती है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप हर एक चीज़ को, एक तो इससे ये होगा क्या कि जो आपने उस दिन पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। वो चीज़ें रिवाइज होने के साथ साथ जो चीज़ें आपकी छूट गई थी वो भी आपके सामने आ रही होंगी, और आपको कोशिश करनी है कि टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें, ठीक है। जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो टेक्स्ट बुक को आप देखिए जो वहाँ पे पढ़ाया गया है, कि जो हमें बुक्स दिलाई गई है, ठीक है, मम्मी पापा ने जो बुक्स दिलाई है उनको आप एक बार खोल के देखिए कि उनमें चल क्या रहा है, पढ़ा क्या रहे हैं सर। और सेल्फ स्टडी में हो सके तो आप जो चीज़ें कल पढ़ाई जा रही हो उनको भी आप थोड़ा सा एज ए रेफरेंस यहाँ पे देख के जा सकते हो कि कल हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से ये आपके बेनिफिट्स हैं। कुछ आपका रिवीजन टाइम बच जाएगा, जो आप रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालते हो वो सेम डे का रिवीजन सेम डे हो जाएगा सेल्फ स्टडी में, प्लस आपका जो भी कुछ छूट गया था क्लास में वो आपका 100% यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ पर आप 2 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो आपको देना ही होगा सेल्फ स्टडी के लिए। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है रिवीजन। देखिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आपको अपना स्कोर है जो वो बहुत ज़्यादा एनहेंस करना है, आपको 95-100% स्कोर करना है, तो क्योंकि देखिए रिवीजन नहीं करोगे आप, सपोज करो आपको पढ़ते पढ़ते आपकी क्लास शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई आपकी क्लास, ठीक है, अगस्त में हो गई, जब भी हो गई, आप हाफ सेप्टेम्बर जाते जाते आपको डेढ़ महीना हो चुका होगा, ठीक है। अब 1.5 महीने बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, यदि आप रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम, तो वो बहुत पुराना हो चुका होगा। आप नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे, आपके माइंड में नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे, नई नई चीज़ें आ रही होंगी, और यदि आप पीछे की चीज़ों को रिलेट नहीं करते हो तो फिर वो चीज़ें माइंड से निकलने लगती हैं, ठीक है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीज़ों को रिलीज करता जाता है और नई नई चीज़ें अडॉप्ट करता जाता है, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए एज ए फिर न्यू बन जाएंगी, फिर वो आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी, उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा उन चीज़ों को समझने के लिए। यदि आप उस जो भी आपने पढ़ा था उसका विद इन वीक आप रिवीजन कर लेते तो फिर वो चीज़ें आपको फिर से नहीं पढ़नी होती और ज़्यादा वो आपको याद हो जाती, और आगे आने वाली चीज़ें भी हो सकता है कि उन्हीं के बेस पे वो आपको और इजी लगने लग जाती, तो उससे आपका जो एक फ्लो है वो एकदम मेंटेन रहता है, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसमें आपका जो भी कोर्स है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, आपका जो भी आपके मेंटेबिलिटी वो एकदम काम रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि सब कुछ कवर्ड है, सब अंडर मेंटेन है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, सब कंट्रोल में है। जब ये फीलिंग्स आपको आएंगी कि सारी चीज़ मेरे कंट्रोल में, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, ना पढ़ने से मन हटेगा, आपको नई नई चीज़ें अडॉप्ट करने का मन करेगा, नई नई चीज़ें पढ़ने का मन करेगा, और आपके पास टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा, कभी भी ये नहीं लगेगा आपको कि पढ़ने के लिए टाइम कम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ की रिवीजन आपको करना रहेगा। रिवीजन आपको यही है कि देखो सेम डे का रिवीजन तो आपका जो सेल्फ स्टडी की थी आपने उसमें लगभग हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में भी आप कुछ ना कुछ होमवर्क के लिए निकालोगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी वो भी होमवर्क में ही आती है, होमवर्क में जो चीज़ आप कर रहे हो तो वो भी आपका रिवाइज हो रहा है सेम डे का, और आपका रिवीजन के लिए 2-3 घंटे रिवीजन, या आप 2 घंटे मान लो आप एग्जैक्ट 2 आवर्स भी दे रहे हो आप रिवीजन के लिए, तब भी आप पूरे जो आपने पीछे का पढ़ा हुआ है उसका आप रिवाइज मार दोगे, ठीक है, 2 घंटे के अंदर। और आप ऐसा जब लग रहा है कि 1.5 महीना हो गया अब तो बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया 1.5 महीने का, तो आप पूरा कैसे रिवाइज करूँ पीछे तक का, तब आप ऐसे कीजिए कि आप पिछले 2 वीक का रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट डे अगले 2 वीक का कर लीजिए, लेकिन उस फ्लो को आप इस तरीके से बनाए रखना कि कोई भी चीज़ें आपके माइंड से आउट ना जाए, आपको ऐसा नहीं लगने लगे कि यार इस चैप्टर को तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, ये नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या, अच्छा इसमें ये चीज़ें होती हैं, आपके माइंड में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कंप्लीट उसका कि पूरी जो भी है इसका रोड मैप इस तरीके से था और ये मेरे को क्लियर है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है,
और जो भी चीज़ें लग रही हैं थोड़ी हार्ड जैसी लग रही हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रही है उनको हाईलाइट करके रखिए, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके जो ऊपर पेज बचा हुआ रहता है आप उसको साफ रखने की कोशिश मत कीजिए। पेंसिल लो, उस पर जो भी है मार्क करो, क्वेश्चन लिखो, जिस भाषा में लिखना चाहो उस भाषा में लिखो, ठीक है। और नोट्स बनाते समय भी याद रखना, नोट्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पे सब कुछ ठोकनी है। आपको जिस तरीके से आ रहा है, आपको हिंदी पसंद आ रही है, आपको कोई लाइन है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आई, उसको आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा अच्छे तरीके से कि मैं इसको किस तरीके से फॉर्म करूं, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको हिंदी में लिख दीजिए अपनी भाषा में कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। एंड यहाँ पर रिविज़न हो गया, रिविज़न के अलावा जो पॉइंट है वो है 90% कॉन्सेप्ट आपके कवर्ड हो जाने चाहिए क्लास के अंदर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अगेन फिर बोल रहा हूँ कि क्लास में आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, क्लास में एकदम प्रेजेंट मूवमेंट में रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और चल रहा है या फिर और टीचर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो आसान है तो मैं कर लूँगा, कोई नहीं बाद में देख लूँगा, या फिर कल पढ़ाएंगे, कल भी यही चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे तो कल कर लूँगा मैं। लेकिन हो सकता है कि जिस दिन वो पढ़ा रहे हैं उस दिन कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा हो, क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि जब हम देखो मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने में और करा हुआ वो क्वेश्चन देखने में कितना अंतर होता है। वो किसी क्वेश्चन को हम रिवाइज कर रहे हैं इस तरीके से हो रहा है, उसका एक हमें फॉर्मेट पता है कि इस प्रोसीजर से ये इसके आंसर तक पहुंचा जा सकता है और आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हो जाएगा ये तो आसानी से। लेकिन उसी क्वेश्चन को जब आप करने बैठोगे ना, तो आप उसमें कम से कम 3 बार बीच में रुकोगे कि यार सही में सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको डाउट तो आएगा ही आएगा, आप उसको सही कर रहे हो तब भी लगेगा कि यार गलत हो भी सकता है नहीं भी, तो ये चीज़ें तब हो जाती हैं। तो आप सोचो जब आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो आप कैसे मतलब अफोर्ड कर सकते हो कि मतलब कि पीछे का जो पढ़ा हुआ है वो इस क्लास में हमें मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लास को एकदम 100% देना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 100 दोगे तब 90 आपको वहाँ से आउटपुट जनरेट हो जाएगा, और वो 90% आप घर पे लेके आओगे तब तक वो बचेगा 80, लेकिन जैसे ही आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे आप अगेन उसे बूस्ट कर दोगे 100 के लिए, और जैसे रिविजन के लिए करोगे तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आपके हाथ में होंगी हर चीज़, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे, और यदि आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने मन में रखते हो और हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप 95 से अबव अपना स्कोर नहीं कर पाओ। 100% आप यहाँ पे अपना जो स्कोर है उसको 95 प्लस यहाँ पे लेके जा रहे होंगे। और ये सारे पॉइंट थे, बाकी नोट्स वगैरह आप खुद के बनाना जितना हो सकता है, दूसरे के रेफरेंस के लिए ले सकते हो, लेकिन उसको एज ए अपने नोट्स मत मान बैठना, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर एक चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।